अच्छा जी, अब जो है वो हम देखेंगे कि ट्री को कैसे प्रिंट करना है, वो भी ब्रांच बाय ब्रांच। और पहले हम देख लेते हैं हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी है प्रिंटिंग की। तो सबसे पहले है जो कि बाइनरी ट्री के अंदर, दैट इज़ ब्रांच वाइज। इसमें हम नोड को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद उसके चिल्ड्रन को, और फिर उनके चिल्ड्रन को ब्रांच बाय ब्रांच करके। और इसमें हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से राइट पर जाएंगे और इस साइड पे मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये जो ब्रांच वाला है, इसके अंदर सिर्फ हमारे पास क्यू यूज़ होती है, बाकी जो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है, इसमें हमारे पास स्टैक क्यू यूज़ होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सॉरी, पहले हम प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जो है वो हमारे पास लोकेशन है किसकी, पेरेंट की। प्री बता रहा है कि पेरेंट पहले आ रहा है, इन बता रहा है कि पेरेंट इन बिटवीन है, और पोस्ट बता रहा है कि पेरेंट बाद में है। तो ये प्रिंट भी इस तरह से जब होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, अगर पेरेंट पहले प्रिंट हो रहा है तो हम उसको प्री ऑर्डर कहेंगे, बाद इन बिटवीन हो रहा है हम उसको इन ऑर्डर कहेंगे सॉरी, और अगर बाद में होगा तो हम उसको पोस्ट ऑर्डर कहेंगे। अच्छा जी, ट्री को प्रिंट करवाना ब्रांच वाइज, अगर हम उसको ब्रीफ में देखें तो वो क्या होता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे ट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद हम प्रिंट करना शुरू कर देंगे ब्रांच वाइज, यानी लेफ्ट से लेके राइट नोड तक। और जैसे कि हमने इंसर्शन के अंदर किया था, जो पहली नोड है वो हमेशा रूट होगी, उसके बाद सेकेंड नोड जो है हमारे पास रूट का लेफ्ट चाइल्ड होगा, थर्ड नोड रूट का राइट चाइल्ड होगा, और फोर्थ नोड जो है वो रूट की लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड होगा, और इस तरह से आगे आगे हम मूव करते जाएंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टेप वन जो है उसमें हमने क्या किया, हमने चेक किया कि ट्री जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से, इस वजह से हम स्टेप वन को स्किप करके अब कहाँ पे आ रहे हैं, स्टेप टू पे आ रहे हैं। स्टेप टू पे है कि ट्री एग्जिस्ट करता है, यस ऑब्वियसली। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्यू जो है वो क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, हम ये ट्री की जो नोड्स हैं उसको स्टोर करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रूट को इंसर्ट किया अपने क्यू में, तो जो डाटा पार्ट है वो पॉइंट कर रहा है किसको, 25 को, जो कि रूट है। फिर मैंने क्या किया, रूट को जैसे ही रिमूव किया तो नोड के अंदर हम उसको स्टोर कर रहे हैं उसका रेफरेंस, और हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। आउटपुट में इस पॉइंट पर हमारे पास 25 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों चिल्ड्रन जो हैं वो क्यू में इंसर्ट कर देंगे। तो मैंने दोनों चिल्ड्रन को क्या किया, क्यू में इंसर्ट कर दिया। पहले वाला लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है और दूसरा जो है वो राइट को पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चाइल्ड को रिमूव कर दिया, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वन है उसको रिमूव करेंगे, और नोड जो है अब आप देख सकते हैं कि उसको पॉइंट कर रहा है। पहले पॉइंट कर रहा था रूट को, अब वो पॉइंट कर रहा है रूट के लेफ्ट चाइल्ड को। अच्छा जी, अब क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट रह गया जो कि हमारे पास दूसरे चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है। हम चेक करेंगे हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। अब क्यू में क्योंकि एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्यू एम्प्टी नहीं है। हम क्या करेंगे कि ये जो डाटा है हमने उसको प्रिंट करवा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके चिल्ड्रन जो हैं उसको क्यू के अंदर ऐड कर देंगे। तो क्यू में हमने इंसर्ट जब किया तो वो इधर आ गया, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और एलिमेंट रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने पिछले वाला एलिमेंट मूव किया, नोड जो है इसकी बजाय अब इसको पॉइंट कर रहा है, और हमारे पास क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रह गया है, 16। अब हमने क्या किया, हमने दोबारा चेक किया क्यू, क्यू एम्प्टी है, नहीं है। हमने क्या किया, हमने प्रिंट कर दिया 46 को, जिसको नोड पॉइंट कर रहा है, और फिर मैंने इसके चिल्ड्रन इंसर्ट किए, अब इसके नहीं हैं तो चिप हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, लास्ट एलिमेंट जो था उसको फिर रिमूव कर दिया। अब क्यू जो है वो क्या हो गई, हमारे पास एम्प्टी हो गई। जैसे ही एम्प्टी हुई, हमारे पास हमने देखा कि नोड जो है वो नल तो नहीं है, नोड नल नहीं था। हमने क्या किया, हमने इसका डाटा भी प्रिंट करवा लिया।
और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 25, 13, 46 और 16 ब्रांच वाइज हमारे पास सारों का डाटा यहाँ पे आ गया।